Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 21st February 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about India initiating anti-dumping probe over China and Vietnam. This topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि डंपिंग क्या होता है एंड देन वी विल सी दिस एंटी डंपिंग प्रोब. यू सी डंपिंग का सरल भाषा में मतलब है कि किसी देश से आने वाला जो एक्सपोर्ट है कोई भी एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट है वो प्राइस ऑफ द एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट इज लोअर देन द price of the same product in the domestic market of the exporting country. Example की मदद से समझते हैं. मान लीजिए कि चाइना से स्टील आ रहा है हमारे देश के अंदर और चाइना के अंदर वो स्टील अगर 1000 रुपए पर टन बिक रहा है, मान लीजिए रुपए में अगर वैल्यूएशन देखे तो वही स्टील उसी कंपनी का भारत के अंदर अगर 800 रुपए पर टन बेचा जा रहा है, इस एक्टिविटी को कहा जाएगा डंपिंग. डंपिंग कई दफा कंपनियां इस प्रैक्टिस को अडॉप्ट करती हैं ताकि वो फॉरेन कंट्री के मार्केट को कैप्चर कर सके, वहां के लोकल बिजनेसेस को नुकसान पहुंचा करके वहां के मार्केट को कैप्चर कर लिया. एंड वंस दे कैप्चर द मार्केट बाय एलिमिनेटिंग देयर कंपटीशन इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी फ्रॉम द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स देन दे विल स्टार्ट मेकिंग प्रॉफिट एंड इन लॉन्ग रन दे विल एक्सट्रैक्ट मोर मनी फ्रॉम द कस्टमर्स. ये होता है डंपिंग. So, it is used in the context of international trade. It is when a country or a company exports a product at a price which is lower in foreign importing market than the price in the exporter's domestic market. So, domestic market में जितना दाम है उससे कम है exported price in the importing country. As I've already told you, this is a tactics employed by the companies to capture the foreign market. तो अब जब किसी देश को पता चल जाता है कि उसके देश के अंदर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डंपिंग हो रही है तो फिर उसके पास क्या ऑप्शंस हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के. तो एक ऑप्शन है जिसको हम लोग कहते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी, जिसमें इंपोर्टिंग कंट्री एडिशनल ड्यूटी लगा दे, एडिशनल टैक्सेस लगा दे ऑन द प्रोडक्ट दैट इज बीइंग डंप्ड. आप अपने देश में बेच रहे हैं 1000 रुपए का, हमारे यहाँ बेच रहे हैं 800 रुपए का. अच्छा ऐसा है कि हमारे देश में इंटर करने से पहले आप 300 रुपए या 400 रुपए आप टैक्स भरिए एक्स्ट्रा, एंटी डंपिंग टैक्स. अब आपका प्रोडक्ट नेचुरली 1100 या 1200 रुपए का हो जाएगा. दैट विल मेक योर प्रोडक्ट इफेक्टिवली कॉस्टलियर और उससे क्या होगा कि फिर अपने देश की इकोनॉमी को प्रोटेक्ट किया जा सकेगा, अपने देश के मैन्युफैक्चरर्स को प्रोटेक्ट किया जा सकेगा. सो दिस काइंड ऑफ टैक्स applied on the products that are being imported is known as anti-dumping duty. भारत के अंदर anti-dumping duty किस product पे लगाना है इसका फैसला जो है वो इस तरीके से होता है. देखिए Department of Commerce recommends anti-dumping duty कि ये product जो है इसकी dumping हो रही है और फिर Department of Revenue in the Finance Ministry acts upon the recommendation within 3 months and imposes सच ड्यूटी. अगर एंटी डंपिंग ड्यूटी की बात की जाए तो आपको यह भी जानना चाहिए कि WTO के नियमों के हिसाब से, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपको पता है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन काम है टू एंश्योर दैट देयर आर हार्मोनियस ट्रेड रिलेटेड नॉर्म्स फॉलोड बाय द वर्ल्ड कंट्रीज वर्ल्ड वाइड. तो ट्रेड रिलेटेड जो नॉर्म्स होते हैं उसमें दो मेन ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं, सब्सिडी एंड टैक्सेस, टैक्सेस ऑन द बॉर्डर जिसको हम लोग कहते हैं ड्यूटी. तो ड्यूटीज एंड सब्सिडीज आर नोन एज ट्रेड बैरियर्स और WTO ट्रेड बैरियर से रिलेटेड नॉर्म्स बनाता है जो वर्ल्ड कंट्री जब एक्सेप्ट करेंगे, WTO के मेंबर्स एक्सेप्ट करेंगे तभी जाकर के वो नॉर्म्स बन पाएंगे. तो WTO के एंटी डंपिंग को लेकर के क्या नियम है एंटी डंपिंग ड्यूटी को लेकर के वो भी समझिए. द WTO एग्रीमेंट परमिट्स द गवर्नमेंट टू एक्ट अगेंस्ट डंपिंग इफ देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मटीरियल इंजूरी. तो इकोनॉमी में मटीरियल इंजूरी क्या शब्द होता है? मटीरियल इंजूरी मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक लॉस टू द डोमेस्टिक कंपनीज बिकॉज ऑफ डंपिंग. ऐसे इंजूरी का मतलब एकदम फिगरेटिव सेंस में मत समझिएगा, लिटरल सेंस में मत समझ लीजिएगा कि एग्जैक्टली इंजूरी कोई हो रही है. इंजूरी मीन्स कि द लोकल
manufacturers are hampered or are facing damages, losses because of dumping, तो उस केस में वर्ल्ड कंट्रीज कैन गो फॉर एंटी डंपिंग ड्यूटी विच इज परमिटेड बाई WTO. बट WTO itself does not intervene in the activities of companies engaged in dumping. इसका मतलब ये है कि आप WTO के लेवल पे जाके केस नहीं कर सकते कि सर ये देखो ये फलाना स्टील वाली कंपनी जो हमारे देश में डंपिंग कर रही है इसके ऊपर आप फाइन लगाओ. WTO does not entertain such kind of cases. अब करंट कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं. देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया अगर देश में डंपिंग होती है तो फिर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स जो है वो इन्वेस्टिगेशन करता है एंड देन इट रिकमेंड्स एंटी डंपिंग ड्यूटी. तो हमारे देश में ऐसे डंपिंग के केसेस शायद से हो रहे हैं ऐसी अभी तक के आइडिया सामने आ रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू सोलर ग्लासेस कमिंग फ्रॉम चाइना एंड वियतनाम. तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है एंटी डंपिंग तो हो रही है. अभी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कि इसके पीछे एग्जैक्ट कारण क्या है और जब एक बार एग्जैक्ट कारण पता चल जाएगा कि ये डंपिंग किस तरीके से हो रही है देन द गवर्नमेंट में अप्लाई एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटर वेलिंग ड्यूटी डिपेंडिंग अपॉन द रीजन बिहाइंड द लो प्राइस ऑफ द फॉरेन इंपोर्ट द गवर्नमेंट विल डिसाइड कि इसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया जाए कि काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाया जाए. तो मैं आपके सामने अब एक नया टर्म ला रहा हूं काउंटर वेलिंग ड्यूटी. एंटी डंपिंग ड्यूटी तो आप समझ गए कि विदेशी सामान सस्ता है 1000 रुपए का है अपने डोमेस्टिक मार्केट में हमारे यहां पे 800 रुपए में बिक रहा है 200 रुपए इसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दो. ठीक है अब जरा समझिए. देखिए विदेशी प्रोडक्ट सस्ता होने के पीछे दो कारण हो सकते हैं. एक जो कंपनी बेच रही है जैसे इस केस में स्टील बेचने वाली कंपनी ही सस्ता बेच रही है इंडियन मार्केट में टू कैप्चर द इंडियन मार्केट उस केस में लगेगा एंटी डंपिंग ड्यूटी. दूसरा कारण हो सकता है कि जिस देश से ये एक्सपोर्ट आ रहा है उस देश की सरकार वहां के मैन्युफैक्चरर्स को सब्सिडी दे रही है कि आप फॉरेन मार्केट में प्रोडक्ट सस्ता बेचो ताकि फॉरेन मार्केट को हम लोग कैप्चर कर पाए. सो इफ सब्सिडी इज बीइंग प्रोवाइडेड गवर्नमेंट सब्सिडी इज बीइंग प्रोवाइडेड टू सम फॉरेन एक्सपोर्ट इन दैट केस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मे अप्लाई काउंटर वेलिंग ड्यूटी. तो काउंटर वेलिंग ड्यूटी विल अप्लाई टू द फॉरेन प्रोडक्ट्स दैट आर हैविंग गवर्नमेंट सब्सिडी विच इवेंचुअली लीड्स टू लो प्राइसेस. तो नाउ इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन विथ रिस्पेक्ट टू द सोलर ग्लासेस कमिंग फ्रॉम चाइना एंड वियतनाम एंड वंस वी कम टू नो द एग्जैक्ट रीजन कि ये लो प्राइसेस क्यों है आइदर डंपिंग हो रही है यानी कि वो कंपनियां डीप डिस्काउंट दे रही हैं इन ऑर्डर टू ग्रैब मार्केट तो उस केस में लगेगा एंटी डंपिंग ड्यूटी या तो फिर चाइना और वियतनाम की सरकार सब्सिडी दे रही है उस केस में लगेगा काउंटर वेलिंग ड्यूटी. तो एंटी डंपिंग ड्यूटी सबसे पहले हमने समझ लिया कि डंपिंग क्या चीज होती है व्हेन द प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट आइटम इज लेस देन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट ऑफ एक्सपोर्टिंग कंट्री. प्राइस ऑफ द एक्सपोर्ट आइटम इज लेस देन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट ऑफ एक्सपोर्टिंग कंट्री. यहां पे फिगर की मदद से भी मैंने दिखा दिया चाइना में 800 रुपए का मिल रहा है वही प्रोडक्ट भारत में 600 रुपए का मिल रहा है. अब ये लोअर प्राइस के पीछे दो फैक्टर हो सकते हैं या तो डीप डिस्काउंट बाय द कंपनी इटसेल्फ उस केस में इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए लगाया जाएगा एंटी डंपिंग ड्यूटी और सब्सिडी गिवन बाय द एक्सपोर्टिंग कंट्री गवर्नमेंट उस केस में लगाया जाएगा काउंटर वेलिंग ड्यूटी. इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू. सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं वो समझ लेते हैं. सेमीकंडक्टर्स भी समझने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंडक्टिविटी. देखिए आप किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाने के लिए सबसे पहले यू नीड अ बैटरी और समथिंग हैविंग टू रीजंस हैविंग डिफरेंस इन देयर वोल्टेज. ठीक है तो ये बैटरी बना लिया हमने जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस है जिसको हम लोग कहते हैं वोल्टेज है. फिर ये सर्किट बना दी. अब ये सर्किट को जब तक आप किसी कनेक्टर से कनेक्ट नहीं करेंगे इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट स्टार्ट फ्लोइंग यानी कि करंट नहीं फ्लो होगा. तो बेसिकली कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स विच अलाउज फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू देम इन अनदर वर्ड्स विच अलाउज फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम वो हो गया कंडक्टर्स. ठीक है कंडक्टर्स का उल्टा हो गया मान लीजिए आप इंसुलेटर्स बैड कंडक्टर्स who do not allow electricity to flow through them. For example, wood is an example of insulator, jabki copper is an example of conductor. But
कुछ ऐसे भी मटेरियल्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं विच कैन नाइदर बी कंसिडर्ड एज गुड कंडक्टर नॉर बी कंसिडर्ड एज इंसुलेटर्स, दे आर नोन एज सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर्स के एग्जाम्पल हो सकते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड ऑल। अब जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं जैसे गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम सेलेनाइड, सिलिकन, जर्मेनियम, दे आर वेरी हेल्पफुल इन मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड सर्किट्स। द सेमी कंडक्टर्स आर हार्ट एंड सोल, यू मे से। यहाँ हमने अंतर दे रखा है बिटवीन कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर। ये मैं, मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ये पहले से पता है, आई जस्ट गेव यू रिविजन। ये जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं दे आर हार्ट एंड सोल ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज। जितना जो इलेक्ट्रॉनिक चिप वगैरह ऐसा बनता है इन सेमी कंडक्टर से ही बनता है, और इसके बेसिस पे फिर ऑटोमेटिक डिवाइसेस बनते हैं। सो दैट मीन सेमी कंडक्टर्स आर हार्ट एंड सोल ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। दे आर हार्ट एंड सोल और वेरी कोर और प्रिंसिपल प्रोडक्ट फॉर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स में भी सेमी कंडक्टर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल है इन डेटा स्टोरेज एंड ऑल। सेमी कंडक्टर मैनुफैक्चरिंग में जो लीडिंग कंट्रीज हैं वो हैं US, साउथ कोरिया, ताइवान एंड ऑल। चाइना इज ऑल्सो इंक्रीजिंग इट्स प्रोडक्शन इन रिसेंट टाइम। तो भारत भी धीरे धीरे अपने सेमी कंडक्टर प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि अदरवाइज आफ्टर 5-6-7 ईयर्स वी माइट मिस द बस, क्योंकि सेमी कंडक्टर इज गोइंग टू ड्राइव द वर्ल्ड इकोनॉमी इन कमिंग डेज। तो भारत के अंदर कई सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं सेमी कंडक्टर प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए। उसमें से जो सबसे मेजर इनिशिएटिव है वो है इंडिया सेमी कंडक्टर मिशन। उसके अलावा कुछ और भी हैं, सेमी कंडक्टर हैज बीन प्रोडक्शन हैज बीन इंक्लूडेड अंडर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, चिप टू स्टार्टअप प्रोग्राम एंड ऑल, दीज आर देयर। बट इंडियन सेमी कंडक्टर मिशन इज एन इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव टेकन इन इंडिया इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ सेमी कंडक्टर्स इन द कंट्री। इंडिया सेमी कंडक्टर मिशन साल 2021 में लॉन्च किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। टोटल 76,000 करोड़ का बजटरी एलोकेशन है। नाम से जैसा आपको पता चल रहा है, इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सेमी कंडक्टर्स इन द कंट्री इन सस्टेनेबल मैनर। इसके मेनली तीन कॉम्पोनेंट है सेमी कंडक्टर मिशन के। सेमी कंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट्स बनाए जाए देश के अलग अलग जगहों पर, उसके अलावा डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट्स बनाए जाए। तो सेमी कंडक्टर्स की मदद से जो एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट बनता है वो होता है डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट। जैसे मोबाइल फोन का ये आप डिस्प्ले देख रहे हैं, दीज आर मेड अप ऑफ स्पेशल काइंड ऑफ सेमी कंडक्टर्स। इनको हम लोग कहते हैं डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट, जहां पे ये बनते हैं। तो फैब्रिकेशन यूनिट दैट मैन्युफैक्चर्स ए डिस्प्ले यूनिट इज नोन एज डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट। इसमें क्या प्रोसेस होता है, देखिए, ग्लासेस, पीसेस ऑफ ग्लासेस आर सैंडविच्ड बिटवीन ट्रांजिस्टर सेल्स एंड यूज मेटल अलॉय एंड सिलिकॉन, उससे बनते हैं डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट्स। सच प्लांट्स असेंबल ग्लास विद अदर कंपोनेंट्स टू पावर द स्क्रीन। भारत के अंदर पहला डिस्प्ले फैब बन रहा है, यानी कि डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट डेवलप किया जा रहा है इन तेलंगाना स्टेट। तो ये दो मेन कंपोनेंट है, एक तो सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हो, सेमी कंडक्टर्स की मदद से फिर अलग अलग चिप्स वगैरह बनाए जा सकेंगे जिसमें डेटा स्टोरेज किया जाता है। सेमी कंडक्टर्स के अलावा सेमी कंडक्टर्स की मदद से बनने वाला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में वो है डिस्प्ले यूनिट। उनको बनाने के लिए अलग से यूनिट बनाए जाए जिसको कहा जाता है डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट, शॉर्ट में कहें तो डिस्प्ले फैब। उसके अलावा इन दोनों तरीके के जो फैब्रिकेशन यूनिट्स हैं उनको एस्टैब्लिश करने के लिए भारत सरकार 30% तक कैपिटल सब्सिडी दे सकती है, यानी कि कंपनियों का जो भी एक्सपेंडिचर होगा कैपिटल फॉर्मेट में एसेट क्रिएशन के लिए उसका 30% तक सरकार उनको सब्सिडी दे सकती है। इंडिया सेमी कंडक्टर मिशन, सेमी कंडक्टर्स की अगर बात की जाए तो दे आर हार्ट एंड सोल ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। US, साउथ कोरिया, ताइवान आर लीडर्स इन प्रोडक्शन। इंडिया सेमी कंडक्टर मिशन की बात की जाए 2021 में लॉन्च किया गया, 76,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। इसका मेन गोल है टू हेल्प इंडिया टू कैच अप इन द रेस ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0। इसके तीन कंपोनेंट है, सेटिंग अप ऑफ सेमी कंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट अंडर PLI स्कीम, डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट एंड 30% ऑफ कैपिटल सब्सिडी। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट डिफाइनिंग फॉरेस्ट एज पर गोदावर्मन जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए गोदावर्मन जजमेंट के बारे में पहले समझते हैं। देखिए फॉरेस्ट प्रोटेक्शन को लेकर के दो मुख्य कानून है हमारे देश में, फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927 एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980।
जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 के बाद, इसके बनने के बाद 1996 में एक पीआईएल फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाय पीएन गोदावरमन, द रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर। उस पीआईएल में उन्होंने इशू रेज किया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में कि इशू रेज किया कि फॉरेस्ट लैंड्स आर बीइंग डिग्रेडेड फॉर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज सच एज माइनिंग एंड क्वारी। दैट इज व्हाई ही रिक्वेस्टेड द सुप्रीम कोर्ट टू इशू डायरेक्टिव्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट लैंड फ्रॉम नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज। और कोर्ट ने इस पीआईएल को एक्सेप्ट करते हुए फिर डायरेक्शंस दिए। तो कोर्ट ने डायरेक्शन जो दिए इस गोदावर्मन जजमेंट में, उसमें बेसिकली उन्होंने फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो 1980 का बना था और उससे रिलेटेड जो रूल्स बने थे उनको स्ट्रिक्ट तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक डायरेक्शंस दिए सरकारों को, स्टेट गवर्नमेंट्स को एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि कानून तो आपने बना दिया लेकिन कानून को स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव तरीके से आप इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, इस कारण से फॉरेस्ट लैंड्स जो है डाइवर्ट हो रहे हैं फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस। तो बेसिकली गोदावर्मन जजमेंट में, विच वॉज रिजल्ट ऑफ ए पी आई एल बाय फॉरेस्ट ऑफिसर गोदावर्मन, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस दिए। अभी उन डायरेक्शंस के एग्जैक्ट स्पेसिफिक डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बट डायरेक्शंस वेयर इन लाइन ऑफ स्ट्रेंथनिंग ऑफ द फॉरेस्ट कंजर्वेशन लॉज, इंक्रीज रोल ऑफ जुडिशियरी इन एनवायरमेंटल गवर्नेंस, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट लैंड्स, रिकॉग्निशन ऑफ राइट्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स एंड ट्राइबल कम्युनिटीज। फिर इस डायरेक्शन में सरकार, भारत सरकार एक अलग से कानून लेकर के आई साल 2006 में, फॉरेस्ट ड्वेलर्स कंजर्वेशन एक्ट, प्रोमोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट लॉ। तो यह है गोदावर्मन जजमेंट। ठीक है, उस हिसाब से काम चल भी रहा था, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किए जा रहे थे अंडर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 विद स्पेशल इम्फेसिस ऑन द डायरेक्टिव्स गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट इन इट्स गोदावर्मन जजमेंट। फिर सरकार 2023 में कानून लेकर के आई फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट। इस कानून को लेकर के इन्वायरमेंटल जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि दो मेन प्रॉब्लम्स हैं। पहला प्रॉब्लम तो है कि ये जो लॉ है इट ब्रीचेस गोदावर्मन रूलिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन मेनी वेज। इट हैज एक्सपेंडेड द डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट बियॉन्ड दोज नोटिफाइड और रिकॉर्डेड ऑफिशियली, फर्स्ट ऑफ ऑल। और जिस तरीके से इन्होंने फॉरेस्ट लैंड्स का एप्लीकेशन को अलाउ किया है, इट वुड इफेक्टिवली रिजल्ट इन डीक्लासिफिकेशन ऑफ अबाउट 1,97,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट करेंटली विच आर प्रोटेक्टेड अंडर 1996 डेफिनेशन। तो मुद्दा यह है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपने गोदावर्मन जजमेंट में फॉरेस्ट को डिफाइन किया था और जिस तरीके से ये कानून डिफाइन कर रहा है, दोनों में अंतर है। ये जो कानून है ये थोड़ा लिबरल तरीके से डिफाइन कर रहा है, इस कारण से कई सारे एरियाज जो पहले फॉरेस्ट के अंदर गिने जाते थे, नाउ दे विल नॉट बी कंसिडर्ड एज फॉरेस्ट एज पर दिस न्यू एक्ट, एंड वंस दे आर नो नॉट अ फॉरेस्ट एज पर दिस न्यू एक्ट देन दे कैन बी कट डाउन, डिग्रेडेड एंड यूज्ड फॉर डेवलपमेंटल पर्पसेस। सो दैट इज वन प्रॉब्लम। सेकेंड, जो फॉरेस्ट एरियाज हैं भी इस कानून के अंतर्गत, वो फॉरेस्ट एरियाज भी, उनके अंदर कई सारे ऐसे एक्टिविटीज अब अलाउ किए जा रहे हैं एज पर द न्यू लॉ विच वी आर नॉट अलाउड एज पर गोदावर्मन जजमेंट। फॉर एग्जाम्पल, उन एरियाज में जू का सेट करना, सफारीज को अलाउ करना, या फिर अगर वो फॉरेस्ट एरिया इंटरनेशनल बॉर्डर के 100 किलोमीटर के अंदर के रेंज में पड़ता है तो वहां पे इम्पॉर्टेंट नेशनल इंपॉर्टेंस वाले प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करना विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, ये सारे नए नियम। तो एक तो आपने फॉरेस्ट के डेफिनेशन को ही नैरो डाउन कर दिया, 1,97,000 फॉरेस्ट एरिया जो है नाउ दे कैन बी डाइवर्टेड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस। दूसरा, जो फॉरेस्ट है भी वहां पे भी आपने ऐसे कई सारी एक्टिविटीज अलाउ कर दी दैट वी आर नॉट अर्लियर अलाउड, जू सफारी सेट करना, अगर वो फॉरेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर के 100 किलोमीटर के अंदर पड़ता है तो वहां पे नेशनल इंपॉर्टेंस वाले प्रोजेक्ट्स को बिना किसी रोक टोक के इंप्लीमेंट किया जा सकता है, ये भी नया नियम ऐड कर दिया। तो ये सारे इश्यूज को लेकर के वापस से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया गया कि सुप्रीम कोर्ट्स डायरेक्टिव्स विद रिस्पेक्ट टू गोदावर्मन जजमेंट इज बीइंग वायलेटेड एज पर द न्यू लॉ, दैट इज वाई द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ दिस फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हैज बीन चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर सरकार, स्टेट लेवल की गवर्नमेंट्स को एंड यूनियन टेरिटरीज को डायरेक्शंस दिए हैं
कि आप हमारे गोदावर्मन जजमेंट को स्ट्रिक्ट तरीके से इंप्लीमेंट करें। तो दिस इज द करंट न्यूज, द सुप्रीम कोर्ट हैज इशूड एन इंटरिम ऑर्डर टू द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज टू अधेयर टू द डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट एज एस्टैब्लिश्ड इन गोदावर्मन जजमेंट ऑफ 1996। मेंस में कैसे इस्तेमाल करें इस पूरे डेवलपमेंट का, देखिए इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी ऑलवेज फाइंड देमसेल्फ एट लॉगरहेड्स डाइवर्जेंट। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पे आप जाते हैं तो इकोनॉमी सफर करती है, एंड वेन यू फोकस टू मच ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ देन इन्वायरमेंट सफर्स। सो द सॉल्यूशन इज इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, मिडिल पाथ, बेसिकली फिलोसॉफी को भी इसमें ऐड कर सकते हैं। बट हाउ, मिडिल पाथ क्या है वही अटेन करना इज द बिगेस्ट चैलेंज। ऐसा नहीं है कि फॉरेस्ट को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करना इज ऑल्सो राइट वे, बिकॉज इन दैट केस इकोनॉमी विल सफर। तो ये है इस टॉपिक से रिलेटेड बोर्ड वर्क, फॉरेस्ट एक्ट डिफाइन फॉरेस्ट एरिया, सुप्रीम कोर्ट इन 1996, गोदावर्मन केस इंटरप्रेटेड फॉरेस्ट एक्ट एंड रूल्स ऑफ 1980 एंड गेव स्ट्रिंजेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट। बट फिर आया फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2023, इट ब्रीच्ड गोदावर्मन रूलिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सेकेंड, इट ऑल्सो रिलैक्स्ड एक्टिविटीज इन फॉरेस्ट एरिया। सो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट हैज आस्क्ड द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू स्टिक टू इट्स 1996 जजमेंट। टॉपिक नंबर फोर इज वाटर डिटेक्टेड ऑन द सर्फेस ऑफ एन एस्टोरॉयड। एक्चुअली दो एस्टोरॉयड्स के सर्फेस के ऊपर वाटर डिटेक्ट हुआ है। सो दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर माय सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। द साइंटिस्ट्स हैव रिसेंटली डिटेक्टेड वाटर मॉलिक्यूल्स ऑन द सर्फेस ऑफ टू एस्टोरॉयड्स आयरिस एंड मेसालिया। द टीम, साइंटिस्ट की जो टीम है फ्रॉम नासा, दे हैव इंटरप्रेटेड डेटा कलेक्टेड फ्रॉम सोफिया ऑब्जर्वेटरी। तो सोफिया ऑब्जर्वेटरी का पुराना डेटा इंटरप्रेट करके साइंटिस्ट ने कंक्लूड किया है, नासा के साइंटिस्ट ने, कि इन दो एस्टेरॉयड्स के ऊपर वाटर प्रेजेंट है। देखिए पहले क्या हुआ है, ऐसा हो चुका है पहले कि एस्टेरॉयड से जो रॉक सैंपल लाया गया है अर्थ पे, उसमें बहुत थोड़े बहुत वाटर मॉलिक्यूल्स मिले हैं। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि एस्टेरॉयड के ऊपर ही डायरेक्टली वाटर मॉलिक्यूल्स को प्रूव किया जा सका है। एस्टेरॉयड सैंपल जो अर्थ पे लाया गया उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स मिले हैं, बट इट हैज हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम कि साइंटिस्ट हैव बीन एबल टू प्रूव दैट देयर इज वाटर मॉलिक्यूल ऑन द सर्फेस ऑफ द एस्टेरॉयड विदाउट ब्रिंगिंग एनी सैंपल ऑन द अर्थ। तो मेनी मॉलिक्यूल्स इन द प्रीवियसली हैव बीन डिटेक्टेड, व्हाइल वाटर मॉलिक्यूल्स प्रीवियसली हैव बीन डिटेक्टेड इन एस्टेरॉयड सैंपल रिटर्निंग टू द अर्थ, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम वाटर मॉलिक्यूल्स हैव बीन फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ द एस्टेरॉयड इन स्पेस। सोफिया, जिसके डेटा की मदद से ये एस्टैब्लिश किया जा सका है कि दो एस्टेरॉयड्स के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल हैं, तो सोफिया क्या है समझते हैं। तो सोफिया एक एयर बॉर्न डिवाइस है, इस तरीके का, देखने में एयरक्राफ्ट जैसा ही होगा, क्रिएटेड बाय बोइंग जो एयरक्राफ्ट बनाते हैं, ठीक है। सोफिया का पूरा नाम ही स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी। नाम से ही आपको समझ आ जाएगा कि स्ट्रेटोस्फेयर में ये फ्लाई करता है, पर इसके ऊपर ऐसा इंफ्रारेड ऑब्जर्वेटरी या आप कह सकते हैं टेलीस्कोप लगा है जो अलग अलग तरीके के इंफ्रारेड रेडिएशन को कैप्चर करता है और फिर वो डेटा अर्थ पे भेजता है। और उसी डेटा के मदद से साइंटिस्ट ने एस्टैब्लिश किया है कि दो एस्टेरॉयड्स के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं। दिस सोफिया अ जॉइंट प्रोजेक्ट बिटवीन नासा एंड जर्मन स्पेस एजेंसी DLR। सोफिया का ये जो डेटा है जिसके मदद से वाटर मॉलिक्यूल्स को प्रूव किया जा सका है ऑन एस्टेरॉयड्स आयरिस एंड मेसालिया, ये डेटा 2021-22 का ही है। सोफिया इटसेल्फ हैज बीन मेड डिफंक्ट और डी ऑपरेशनल सिंस 2022, सो इट इज नाउ रिटायर्ड सोफिया। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था आर्टिकल 142 से रिलेटेड, द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।